बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। वो कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी अपनी रिलेशनशिप को लेकर खबरों में छाई रहती हैं। अनन्या पांडे इन दिनों पेरिस में हैं और वो भी एक खास मकसद से। दरअसल एक्ट्रेस अनन्या पांडे पेरिस फैशन वीक का हिस्सा बनी है। बीते दिन ही इस मेगा फैशन इवेंट से उनका वीडियो सामने आया है। अनन्या पांडे इस वीडियो में रैंप कर फैशन पैच अनन्या पांडे इस वीडियो में रैंप पर फैशन का जलवा बिखेरते दिख रही हैं। उनका स्टाइल काफ़ी अलग और कूल नज़र आ रहा है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में अनन्या पांडे रैंप पर वॉक कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने ब्लैक सीक्वेंस मिनी ड्रेस कैरी की है। इसके साथ ही उन्होंने हाथ में चलनी पकड़ रखी है और जो उनकी ड्रेस से ही जुड़ी हुई है। इसे पकड़े हुए ही वो रैंप पर वॉक कर रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि इसे पकड़कर चलना आसान नहीं है। अनन्या इस वीडियो में विदेशी मॉडल्स की तरह ही सावधानी से वॉक कर रही हैं और उनके चेहरे पर कोई शिकन देखने को भी नहीं मिल रही है। वैसे उनके इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग ने उन्हें ट्रोल भी किया है। एक शख्स ने एक्ट्रेस की तुलना उर्फी जावेद से कर दी और कहा कि अनन्या का फैशन उर्फी से इंस्पायर्ड ही है। वहीं एक शख्स ने लिखा कि एक्ट्रेस जूझ रही है। वहीं एक और शख्स ने लिखा कि इस फैशन को देखकर हंसी आती है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे के काम की बात करें तो वे हाल ही में खो गए हम कहां में नजर आई थी। इससे ठीक पहले वो ड्रीम गर्ल 2 में नजर आई थी। खो गए हम कहां में एक्ट्रेस के काम की काफ़ी तारीफ हुई है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अब अनन्या कई और फिल्मों में नजर आने वाली हैं। पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट शामिल हैं।